स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जो कंट्रोवर्शियल न्यूज़ अभी चल रही है अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच में, जो रूमर्स चल रहे हैं, डिवोर्स के रूमर्स चल रहे हैं। उन्हीं रूमर्स के बीच में अभिषेक बच्चन ने आकर ये भी कंफर्म किया है कि वो डिवोर्स नहीं कर रहे हैं। पता नहीं, कभी कभी कुछ अलग न्यूज़ आती है, कभी कुछ अलग न्यूज़ आती है, तो ये मेरे माइंड में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी चल रही है। और यस, जस्ट टू बी वेरी क्लियर, बिफोर वी बिगिन द रीडिंग, कुछ भी रीडिंग करने से पहले यहाँ पर मैं क्लियरली बता रही हूँ कि ये रीडिंग एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही है। इसका कोई प्लीज़ और मीनिंग ना निकालें, ठीक है? सो दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक अ रीडिंग फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको रीज़न बताया। सबसे पहला, काफ़ी सारा न्यूज़ आ रहा है और क्लियर चीज़ पता नहीं चल रही है कि वॉट एग्जैक्टली इज़ गोइंग ऑन, कि जिसकी वजह से शायद ये रूमर्स आ रही है। ये रूमर्स है, सच्चाई है किसी को नहीं पता है। सो दैट इज़ वाई ये रीडिंग यहाँ पर मैं करने जा रही हूँ। टैरो रीडिंग है, टैरो कार्ड रीडिंग है, ओरेकल कार्ड रीडिंग है। कुछ टाइमिंग्स अगर चेक करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है? काफ़ी सारे अलग अलग मैटर्स के ऊपर आ सकता है रीडिंग। मुझे नहीं पता है कि ये रीडिंग कैसा टर्न लेगा, कहाँ जाएगा, मुझे कुछ नहीं पता है, ठीक है? बिकॉज मैंने ये वीडियो शुरू करने से पहले मैंने कार्ड्स भी नहीं देखे हैं, ठीक है? तो जी हाँ, ये रीडिंग शुरू करने से पहले मेरे बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मैं हूँ प्रीति। मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स प्रैक्टिस कर रही हूँ और आज तक मैंने हज़ारों लोगों के रीडिंग्स किए हुए हैं दुनिया के अलग अलग देशों से। तो बताने के पीछे रीज़न ये था ताकि आपको पता लग पाए कि ये जो वीडियो है उसमें एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भले है, बट यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ है कि जो टैरो एक सच्चाई लेवल की बातें हमें बताने वाला है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? बिकॉज आई एम सुपर क्यूरियस, मुझे ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है? स्ट्रेंथ का कार्ड है और इसे एक लेडी है कि जो होल्ड कर रही है। तो समवेयर और द अदर यहाँ पर ये सिचुएशन में जो वुमेन है वह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली इस सिचुएशन को हैंडल कर रही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लग रही है, ठीक है? सो सबसे पहले यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द आइकन ऐश्वर्या राय, राइट? तो ऐश्वर्या जो है इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इस सिचुएशन में बताया जा रहा है कि ये काफ़ी स्ट्रांगली इस सिचुएशन में हैंडल करने की कोशिश कर रही है। उसी के साथ साथ बिकॉज शी इज़ अ सेलिब्रिटी और ऐसा जो न्यूज़ है, नॉर्मल लोगों के लिए अगर ऐसा कुछ न्यूज़ है तो वो कितना बड़ा एक रूमर बन जाता है, आपको पता है, अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं तो भी। लेकिन यहाँ पर ये सेलिब्रिटी है और इतना बड़ा ये हो सकता है, इतनी बड़ी लेवल तक ये रूमर बन गया है, इतना बड़ा ये एक न्यूज़ बन गया है, तो जिसको हैंडल करना ये जो लेडी है उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। बट शी इज़ स्टिल ट्राइंग हर बेस्ट, ठीक है? मुश्किल भले हो रहा है बट शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट। ये बहुत ही स्ट्रांगली इस सिचुएशन के साथ डील करने की कोशिश कर रही है जो लेडी है वो, ठीक है? सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस जो लेडी है वो यहाँ पर ऐश्वर्या है, राइट? हु इज़ ट्राइंग टू हैंडल दिस केयरफुली। एट द सेम टाइम ये जो लेडी है जया बच्चन भी हो सकती है, राइट? बिकॉज शी इज़ somebody के जो भी ये सिचुएशन में इन्वॉल्व है, राइट? अगर कुछ भी होता है यहाँ पर सास का नाम भी डेफिनेटली आता है, राइट? अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो सो शी इज़ ऑल्सो ट्राइंग हर बेस्ट। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ ये सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है? नेक्स्ट कार्ड वी सी हियर इज़ द डेविल का कार्ड, ठीक है? वॉट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग? सी, भले यहाँ पर दोनों हैं, कपल है, बंधे हुए हैं एक दूसरे से, बट दे आर स्टिल बंधे हुए हैं। देर इज़ डेफिनेटली सम प्रॉब्लम बिटवीन देम। सी, अब आपको एक और बात बता दूँ, हर एक मैरिड कपल के बीच में कुछ डेफिनेटली अनबन होती है, कुछ अच्छी बातें होती है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ये चीज़ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, बिकॉज यहाँ पर हम सेलिब्रिटी का रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है? सो सेलिब्रिटी है या नॉर्मल है, सबकी लाइफ में ऐसा कुछ डेफिनेटली होता है, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यस वी हैव दिस के इस ये जो कपल है दे आर यस इन एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसने बहुत बड़ा रूप ले लिया है एंड इट इज़ कंट्रोलिंग देयर सिचुएशन, ठीक है? ये चीज़ है। दूसरी बात, ये कार्ड बता रहा है, सी चाहे जो कुछ भी ये कार्ड बताए, कपल के बीच में ऐश्वर्या अभिषेक दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स जो है उनके कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। शायद छोटा सा रूमर था जो कंट्रोल से बाहर हो गया, या छोटी सी बात थी कि जो बहुत बड़ा विशाल रूप जिसने ले लिया है, वॉट एवर द थिंग इज़। बट फिर भी आप देखो तो ये दोनों अभी भी साथ में हैं, राइट? दे आर स्टिल टुगेदर एंड
अभी यहाँ पर आपने मेरा एक्सप्रेशन देखा, बिकॉज यू नो ये दोनों एक्टर्स मेरे भी फेवरेट एक्टर्स हैं, तो आई ऑलवेज वॉन्टेड कि ये दोनों साथ में रहें हमेशा. सो विच इज़ क्लियरली विजिबल इन दिस रीडिंग. ठीक है, ये दोनों साथ में हैं. अभी दूसरे भी कार्ड्स हैं यहाँ पर, तो कुछ और रीडिंग में आ सकता है, बट बेसिकली यहाँ पर जो दो कार्ड्स हैं फिलहाल, राइट, फिलहाल यहाँ पर आ रहा है कि ये दोनों साथ में हैं. ठीक है, सो दे आर टुगेदर फॉर नाउ. और मुझे ये कार्ड के ऊपर से लग रहा है कि ये बाद में भी साथ में ही रहने वाले हैं. ठीक है, बिकॉज इनको जंजीरों से बांधा गया है, ये दोनों जंजीरों से बंधे हुए हैं. देर आर सेवरल रीजन्स कि यहाँ पर जंजीर क्यों दिखाई गई है. सबसे पहले तो कपल है और यू नो ये शादीशुदा है, तो इंडिया में यू नो शादीशुदा कपल्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं शादी के बॉन्ड की. भले यू नो आजकल यू नो डिवोर्स बहुत कॉमन है, बट फिर भी ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि जहाँ पर जिसका एक जिसका जो फैमिली वैल्यूज़ है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए ये कुछ लेवल तक जंजीरों से डेफिनेटली बंधे हैं. दूसरा, जंजीर किस चीज़ की है? जंजीर इस चीज़ की भी है कि ये दोनों की एक बेटी है, राइट. डेफिनेटली समाज में यू नो मतलब बच्चों की खातिर पेरेंट्स साथ में रह लेते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न. थर्ड रीज़न इज़ यू नो डेफिनेटली ये जो जंजीर है ये पॉजिटिव जंजीर भी है, बिकॉज ये दोनों इमोशनली भी बंधे हुए हैं एक दूसरे से. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट कार्ड. द नेक्स्ट कार्ड वी सी हियर इज दिस. ओके, सो वी आर सीइंग सम लेवल ऑफ कुछ है कि जो शुरू हो रहा है, राइट. समथिंग हैज़ एंडेड, समथिंग हैज़ बिगन. अब यहाँ पर ये कुछ भी हो सकता है. ठीक है, दिस कुड बी दैट दे आर गेटिंग सेपरेटेड, दिस कुड बी दैट दे आर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम लिविंग विद द फैमिली. ठीक है, ये दोनों मतलब फुल फैमिली के साथ रह रहे थे और अब ये दोनों अकेले शिफ्ट हो रहे हैं साथ में, राइट. ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये दोनों अलग हो रहे हैं या तो ये दोनों अलग से साथ में शिफ्ट हो रहे हैं. ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. अब ये दोनों के अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लग रही है. ठीक है, लेट्स सी वॉट आर द अदर कार्ड इज सेइंग. यस, दिस इज एक्चुअली गुड न्यूज़. ठीक है, जो जो अलग हो रहे हैं, द कपल इज गेट मतलब ये कपल अलग हो रहे हैं, कपल अलग होकर साथ में रहने वाले हैं फैमिली से अलग. सो यू कैन एक्चुअली सी माई हैप्पीनेस, बिकॉज यू नो ये दोनों की मैं फैन रह चुकी हूँ और मैं फ़ैन रह चुकी हूँ और मुझे चाहिए कि ये दोनों का रिलेशनशिप बच जाए, बिकॉज यस दे आर अडोरेबल, राइट. तो यस, ये दोनों साथ में कहीं पर शिफ्ट हो रहे हैं. ठीक है, सो दे आर ये अलग ज़रूर हो रहे हैं बट ये साथ में शिफ्ट हो रहे हैं डेफिनेटली. यहाँ पर कैसे आप देख सकते हैं कि ये जो सिचुएशन है थोड़ी सी दयनीय सिचुएशन है, थोड़ी सी यू नो मतलब इट इज़ अ सिचुएशन कि जहाँ पर मतलब दुखी होकर ये कपल जा रहे हैं कहीं पर, राइट. तो ये अलग तो नहीं होने वाले थे बट इनको फैमिली से अलग होना पड़ रहा है, दुखी होकर अलग हो रहे हैं. मतलब कि दिस इज़ नॉट लाइक अ हैप्पी थिंग दैट्स हैपनिंग. मतलब कुछ तो डेफिनेटली गलत हुआ है, कुछ तो डेफिनेटली गड़बड़ हुई है कि जिसकी वजह से ये दोनों अलग हो रहे हैं. कभी कभी अलग होते हैं, खुशी खुशी अलग होते हैं, राइट, बिकॉज ऑफ सेवरल डिफरेंट रीजंस, जैसे कि ग्रोथ के रीजंस, करियर के ग्रोथ के रीजंस होते हैं, लाइक दे जस्ट वांट प्राइवेसी, दे जस्ट वांट टू लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली, ऐसे काफ़ी सारे रीजंस होते हैं. बट दिस इज़ द रीज़न वेयर दिस कपल इज़ ये खुशी खुशी नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा दुखी होकर जा रहे हैं. ठीक है, बट दुखी होकर जा रहे हैं फिर भी दोनों साथ में जा रहे हैं. सो दैट इज़ एक्चुअली समथिंग दैट इज़ वर्थ अप्रिशिएटिंग, दैट इज़ कुछ खुशी की बात है, राइट. नेक्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पर है वो ये कार्ड है. सो दिस इज़ द कार्ड वेयर इट सेज़ के यस, दोनों के करियर में अब यू नो कुछ लेवल पर इनको सोचना पड़ सकता है. दे आर सपोज्ड टू थिंक सेपरेटली अबाउट देयर करियर, अबाउट देयर लाइफ. इनको कुछ दूसरी चीज़ें भी यू नो मतलब करनी पड़ सकती है, कुछ दूसरे अरेंजमेंट्स भी करने पड़ सकते हैं. अपनी लाइफ को कैसे हैंडल करना है, करियर ऑफ द डॉटर ऑल्सो, इनकी जो बेटी है उनके भी करियर के बारे में इनको सीरियसली सोचना पड़ रहा है. ठीक है, ये बहुत ही बड़ा मोमेंट है, बहुत ही चिंतन करने वाला मोमेंट है इस फैमिली के लिए. ठीक है, उसी के साथ साथ ना सिर्फ यू नो उनके लिए, नॉट जस्ट फॉर द कपल, बट ये यू नो मतलब जो दूसरी बाकी की जो फैमिली है उसके भी करियर का सवाल होगा, उसके भी करियर का के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यू नो उंगलियाँ उठेगी, बिकॉज दिस इज़ हैपनिंग. आपको पता है कि ये फैमिली अपनी फैमिली वैल्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा माना गया है और यहाँ पर जो है बेटा और बहू अगर सेपरेट होते हैं तो डेफिनेटली यू नो कुछ ना कुछ उंगलियाँ उठेंगी यू नो जो 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 दूसरे जो एक्टर्स हैं फैमिली में उसके लिए,
उनको काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता था, काफ़ी ज़्यादा उनको दिल से अच्छा माना जाता था, फैमिली वैल्यूज़ बहुत बहुत ही गहरी है इनकी ऐसा माना जाता था। बट ऐसा जब होता है तो इनके करियर के ऊपर भी अफेक्ट होगा, और कैसे वो जो सारा इफेक्ट होगा उसको नलीफाई किया जाए उसके बारे में यू नो सोच विचार चल रहा है, ठीक है। उसके साथ नेक्स्ट कार्ड इज़ यस, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। सो दिस इज़ द जजमेंट। किस चीज़ का जजमेंट है? ये वो जजमेंट है कि जो हज़ारों लाखों करोड़ों लोग इस फैमिली को जज कर रही है, वो वाला जजमेंट है। सो दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये जो हज़ारों लोगों ने, लाखों लोगों ने, करोड़ों लोग इस जो भी होने वाला है उस चीज़ को जैसे जज करने वाले हैं, इसको हैंडल कैसे करना है, राइट। सी, अगर आप एक सेलिब्रिटी की फैमिली से बिलोंग करते हैं, सो तो यू नो बाकी कुछ भी होता है आपके आपके इर्द गिर्द, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ के जनता को कैसे हैंडल करना है। नाउ द थिंग इज़ यू नो बच्चन जी, अगर आपको पता है कि वो क्या करते हैं कि द मोमेंट ही इज़ ट्राइंग टू यस, हर हफ्ते ऐसा कोई दिन होता है कि जब वो अपने फैंस को हाथ फैलाकर यू नो इज़ जस्ट या टॉकिंग टू देम, मतलब उनको कोई इशारा करते हैं, फैंस के साथ कनेक्ट करते हैं, दूर से ही सही बट वो कनेक्ट ज़रूर करते हैं। सो दिस इज़ द मोमेंट ऑल्सो जो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि वो कैसे अपने फैंस से नज़रें मिला पाएंगे, किस तरह के जवाब देंगे जब ये मोमेंट आती है तब, राइट। बिकॉज जो फाइनली जो ये करने वाली है ये फैमिली ने तो डिसाइड कर लिया है, बट उसमें पब्लिकली किस तरह से उस चीज़ को हैंडल किया जाए, दैट इज़ व्हाट द फैमिली इज़ थिंकिंग। बिकॉज किसी के ऊपर भी यू नो किसी के करियर के ऊपर, किसी की लाइफ के ऊपर, फ्यूचर के ऊपर इसका असर नहीं होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट एवरीबडी इज़ फोकस्ड ऑन। बिकॉज ना सिर्फ यू नो मतलब यस जो मॉम एंड डैड है, फैमिली के जो हेड ऑफ द फैमिली है, उनका तो करियर जैसा हम कहते हैं कि मतलब बूढ़े हो चुके हैं और ख़त्म होते होते भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल रहा है, बट फिर भी अभी भी जो यंग जनरेशन है उसका करियर अभी भी बाकी है, और उसके ऊपर कुछ लेवल का इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए बेस्ड ऑन वॉट एवर इज़ हैपनिंग। सो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सोच विचार चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड वी सी इज़ यस, वी सी द मनी का पावर का कार्ड। मनी का एक पावर है, और बच्चन जी स्पेशली आपको पता है कि यू नो ही इज़ लाइक आई थिंक मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरे हिसाब से और ये टैरो कार्ड्स के हिसाब से बच्चन जी का जो अर्निंग है, अर्निंग लेवल है अभी भी इस वक्त भी, वो पूरे फैमिली में सबसे ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है। दिस इज़ व्हाट ही इज़ गोइंग थ्रू राइट नाउ। अब जो व्यक्ति ज़्यादा पैसे कमाता है उसका डेफिनेटली एक पावर होता है, उसका एक चार्म होता है, नॉट जस्ट मनी का चार्म, बट यू नो जो व्यक्ति अपने अंदर ये पावर रखता है कि वो लक्ष्मी बहुत इजीली अट्रैक्ट कर सकता है, उसके अंदर आप एक अलग ही चार्म देखेंगे कि मतलब लोग नेचुरली उनकी तरफ आकर्षित होकर जाते हैं। सो वो आकर्षण का जो एक ये है, ये फैक्टर है, वो आप इस केस में भी देखने वाले हैं कि इनका जो चार्म है वो काम आ जाएगा इस सिचुएशन में, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू वर्क। द लास्ट कार्ड वी सी इज़ दिस, द लास्ट कार्ड इज़ ये वाली सिचुएशन है, जनता को वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो ये फैमिली उनको बताती है, ठीक है। सो देर आर चांसेस कि कुछ ऐसी बातें हैं कि जो पब्लिकली यस यू नो पब्लिकली रिलीज करी जाए, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे क्लैरिफिकेशंस है जो भी होने वाला है उस सिचुएशन के आधार पर, जो क्लैरिफिकेशंस पब्लिकली दिए जाएंगे वो चीज़ होगी कि जो पब्लिक को मानना पड़ेगा, उसके अलावा पब्लिक के पास और कोई चारा नहीं है, ठीक है। सो यस, इन अ वे यू नो आई डू फील के बिकॉज एक फैमिली की बात चल रही है, बिकॉज अ फैमिली इज इन्वॉल्व हियर, तो उनकी प्राइवेसी डेफिनेटली वो डिजर्व करते हैं, राइट। उनकी प्राइवेसी के अंदर वॉट एवर जो वो हमें बताते हैं वही हम एक्सेप्ट करेंगे, उसमें आई डोंट थिंक कि उसमें कुछ गलत है, बिकॉज दे आर अ फैमिली, दे हैव ऑल द राइट कि वो मतलब अपनी फैमिली की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो छुपी की छुपी रखे, अपने फैमिली के बीच ही रखे, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग जो ये करेंगे, और इनको पूरा हक है, राइट। जैसे आपको हक है आपकी फैमिली के प्रॉब्लम्स आप अपने फैमिली में ही रखते हैं, वैसे ही दूसरे लोगों को भी हक है कि वो अपने फैमिली के प्रॉब्लम्स अपनी फैमिली में रखें। स्पेशली सेलिब्रिटीज़ के साथ के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी बातें बिहाइंड द डोर्स, बिहाइंड क्लोज डोर्स ही रखेंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरे कुछ एडिशनल कार्ड्स इस सिचुएशन के बारे में, अभिषेक ऐश्वर्या की सिचुएशन के बारे में देखते हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग अभिषेक ऐश्वर्या की सिचुएशन में, व्हाट इज़ हैपनिंग।
सो वी हैव अ कपल ऑफ कार्ड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी, यस, यहाँ पर माँ और बेटी अलग हो रहे हैं, माँ और बेटी अलग से दिख रहे हैं. सो देर आर चांसेस के माँ और बेटी अलग हो रहे हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कार है, तो एक तरफ से राइट्स दिए गए हैं, राइट्स दिए गए हैं. मूविंग कार क्या करती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ लोगों को लेकर जाती है, राइट. सो यहाँ से वहाँ लेकर जाने में कार हेल्प करेगी. उसी के साथ ओपन डिसऑनर, तो कुछ लेवल का ह्यूमिलिएशन हुआ है, कुछ लेवल का ओपन डिसऑनर हुआ है कि जिसकी वजह से ये सिचुएशन बनी है, ठीक है. खुल्लम खुल्ला किसी को किसी का मजाक उड़ाया गया है, किसी का किसी को डिसरिस्पेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन हुई है. और यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि उसी के साथ यू नो कल्चर को ध्यान में रखकर, कल्चर को ध्यान में रखकर, अपनी फैमिली की इमेज को ध्यान में रखकर जो भी है वो मतलब डिसीजन लिया गया है. नेक्स्ट कार्ड इज़ अबाउट नॉलेज एंड हिस्ट्री, एंड यस बेस्ड ऑन वॉट एवर द हिस्ट्री ऑफ दिस फैमिली इज़, उसके आधार पर भी कुछ डिसीजन लिए गए हैं. अब जो भी डिसीजन लिए जाएंगे क्लियरली जैसे मैंने कहा पहले कि बिकॉज वी हैव दिस कार्ड, जो भी जजमेंट है, जो भी आपको बताया जाएगा वही चीज़ आप एक्सेप्ट करेंगे. उसके अलावा अंदर से, अंदर के जो न्यूज़ है वो आपको नहीं मिल पाएंगे. अब जस्ट बिकॉज यहाँ पर ऐसा आया है कि पब्लिक को कुछ बताया जाएगा जो पब्लिक को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दैट आई एम नॉट पुलिंग आउट एक्स्ट्रा कार्ड्स के उनके अंदर की बात, तह की बात कौन सी है, ये मुझे नहीं करना है. आई जस्ट बिलीव येस बिकॉज इट्स जस्ट लाइक कि मतलब उनकी एक प्राइवेसी है, और उस प्राइवेसी को यू हैव टू रिस्पेक्ट. अगर वो नहीं चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ का कुछ भी बाहर आने दे, तो आई डोंट वांट कि मैं कुछ ऐसा करूँ, ठीक है. सो या, सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप दैट दिस वीडियो इज़ मतलब आपको इनफ एंटरटेनमेंट मिल पाया इस वीडियो से. एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स, ये जो पूरी सिचुएशन है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये जो वीडियो में मैंने बातें बताई है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं. एंड या, दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो. अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय. और जी हाँ, अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग, यस, यहाँ पर आपने टैरो रीडिंग देखा, बहुत ही डिटेल टैरो रीडिंग देखा, मुझे पता है इससे भी अगर डिटेल रीडिंग करना है तो हम कर सकते हैं, बट आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो सुपर ह्यूज कि आप बस बैठ कर देखते ही रहे, ठीक है. इसलिए मुझे नहीं करना है इतना बड़ा वीडियो. सो अगर आप यहाँ पर टैरो रीडिंग, डिटेल टैरो रीडिंग देखकर इंटरेस्टेड है, तो और अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर मेरे कोर्स की डिटेल्स चेकआउट कीजिए. यस, मेरा जो क्लास है, दूसरे जितने भी टैरो रीडर्स हैं उनके चार्जेस से ज़्यादा है, बट आई कैन गारंटी कि एक बार आपने सीख लिया तो आपने परमानेंटली सीख लिया. मतलब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, वो दूसरों के पास सीख कर आते हैं, पता नहीं 25,000-50,000 खर्च करके आते हैं, और बोलते हैं मैडम अभी तक टैरो नहीं आता, आप प्लीज़ हमें सिखा दो. सो दैट इज़ वाई आई जस्ट सजेस्ट कि अगर महंगा दिख रहा है तो वहाँ पर क्वालिटी आपको डेफिनेटली मिल रही है, बहुत डेफिनेटली आप उस क्लास के ऊपर भरोसा कर सकते हैं. विच इज़ वाई सी जिस लेवल की वैल्यू आपको दी गई है उसके आधार पर ही उसकी फ़ीस भी तय की गई है, ठीक है. सो जी हाँ, मेरी वेबसाइट के ऊपर सारा क्लास का इंफॉर्मेशन चेकआउट कीजिए. वेबसाइट की डिटेल्स, वेबसाइट की जो लिंक है यहाँ पर नीचे कहीं पर आपको मिल जाएगी. एंड या, सर्टिफिकेशन का कोर्स है, सर्टिफिकेट मिलेगा एंड में, ठीक है. सो दैट इज इट, अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय.